से इस वक्त की बड़ी खबर है, बाढ़ बारिश को लेकर के हाई लेवल मीटिंग चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं, तैयारियों को लेकर के बैठक हो रही है। बैठक में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद हैं। एनडीए में एनडीआरएफ और आईएमडी के अधिकारी मौजूद हैं। बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। तो बड़ी बैठक, हाई लेवल मीटिंग, बाढ़ बारिश को लेकर के तैयारियों को लेकर के बैठक हो रही है। समीक्षा की जा रही है कि तैयारी आगे की कैसी है और कैसी रणनीति और तैयार करनी है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए नित्यानंद राय भी नजर आ रहे हैं। तो गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, जिनकी मौजूदगी है। इसके साथ साथ एनडीए में एनडीआरएफ और आईएमडी के अधिकारी की मौजूदगी है। तो गृह मंत्रालय की तस्वीर जहां गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक ले रहे हैं। तो बाढ़ से निपटने की तैयारी की समीक्षा हो रही है और मौसम अभी बारिश बाढ़ का है और ऐसे में इससे लोगों को काफी नुकसान पहुंचता है। मोतिहारी से बड़ी खबर है जहां मोतिहारी में ध्वस्त पुल हो गया है। घोड़ा सहन में यह पुल ध्वस्त हुआ है। करीब 1.5 करोड़ की लागत से यह पुल बन रहा है। पुल की ढलाई के बाद ही पुल ध्वस्त हो गया है। अमवा से चैनपुर के रास्ते में यह पुल बन रहा था। करीब 40 फीट में यह पुल बन रहा था। बताया जा रहा है कि पुल की ढलाई कल हुआ था, अचानक रात ने भरभरा कर गिर गया है। गांव के लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि ढलाई के वक्त ही पुल ध्वस्त हो जा रहा है, तो इसकी गुणवत्ता क्या होगी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हो गया 2.5 महीना। ढलाई का काम कब हो रहा था? रातें हो रहा था। तो रात में ढलाई का काम करना है? रात में तो ये लोग छड़ बांधते हैं, ढलाई का काम है। सारा काम रात में हुआ है, देखिए ना, पिलर सोजर टेढ़ा लौक रहा है। तो ये रात में ढलाई हो रहा था, कई बजे गिर गया? पहले के बाद इसमें इंजीनियर का लापरवाही है। इंजीनियर का लापरवाही, इंजीनियर जो नीचा से अपना सपोर्ट नहीं देखे, चेक नहीं किए, वजन का उसको अनुमान नहीं लगा, ये माल ढलाया उसके बाद गिर गया। रात को पुल ढला रहा था, 10-12 बजे तक काम हुआ है। ठेकेदार मुंशी जी बोल रहे हैं कि 9:30 बजे काम बंद हो गया। वहाँ पे देखिए भेपर लगा हुआ है, 1.5 करोड़ के लागत से पुल बन रहा है। बताइए आज गिर गया है, कल कोई गाड़ी जाता गिर जाता इसके अंदर, कोई मर जाता इसमें, उसका जवाब दे कौन होता। बार बार पुल गिरने की घटना कोई आम बात नहीं है। ऐसी घटनाओं से सरकार और निर्माण कंपनियों पर कई गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। न्यूज 18 भी इन घटनाओं को लेकर सवाल पूछता है, बार बार बिहार में पुल क्यों गिरते हैं। सवाल यह भी है कि क्या निर्माण के वक्त गुणवत्ता की जांच नहीं होती। इसके साथ सवाल यह भी है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है।